साइंस के करिश्मे तो हम देखते ही आ रहे हैं, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, स्पेस ट्रैवल, गाड़ियाँ, लेकिन आपने कभी इन इन्वेंशंस के खतरों के बारे में सोचा है? तो आज हम साइंस के कुछ खतरनाक इन्वेंशंस पर नजर डाल। न्यूक्लियर पावर एनर्जी का ताकतवर जरिया, सस्ता, एनवायरमेंटली फ्रेंडली, बशर्ते के इनकी कुछ शराइत पूरी की जाए। साइंटिस्ट का हमेशा से ही आर्ग्यू रहा है कि एनर्जी की बेहतरीन किस्म है, लेकिन अगर पावर प्लांट्स अच्छे हैं जैसे कि चेर्नोबिल और फुकुशिमा, अच्छे साबित नहीं हुए। अब ये बदकिस्मती थी या इंसानों की गलती, इन रिएक्टर्स ने अपने धमाकों से चीज़ों को बहुत ख़राब किया। एक इंसिडेंट रूटीन टेस्ट खराब होने की वजह से, जबकि दूसरा जलजला और बिजली की कमी की वजह से हुआ। हालांकि बैकअप्स अपनी जगह पर थे, लेकिन वो भी काम ना कर सके। अब न्यूक्लियर पावर जितनी ज़बरदस्त है उतनी ही खतरनाक भी है। प्लास्टिक, ओहो, इधर ज़रा सी हवा चली और हमें देखने को मिलते हैं प्लास्टिक की थैलियाँ और बॉटल्स का अंबार। प्लास्टिक आलूदगी का बहुत बड़ा सबब है, लेकिन लकीली बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया जा रहा है जो कि आम प्लास्टिक से बहुत कम वक्त में डिसॉल्व हो जाएगा। DDT एक कंपाउंड है जो कि कीड़ों और मच्छरों को मारने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन इसके साथ मसला ये था कि ये परिंदों और इंसानों के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो गया। ये कैंसर की भी बहुत सी वजूहात में से एक है, लेकिन अब माहौल पर नेगेटिव असरात की वजह से इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये कई सालों से एक अहम टॉपिक बना रहा है, स्पेशली कोल्ड वॉर के दरमियान। बायो वेपन्स इंतहाई खतरनाक है और अगर इनको रिलीज कर दिया जाए तो उससे पूरा इलाका एक ही वक्त में खत्म हो सकता है। दुनिया के कुछ मिलिट्रिस्टिक मुल्कों के पास बायो वेपन्स के कुछ फॉर्म्स हैं, लेकिन इनके खतरात की वजह से मुआहदे जेनेवा में इसको बैन लगा दिया गया है। जी हाँ, पार्टिकल फिजिक्स भी इस लिस्ट में है। हालांकि ये स्टडी बहुत ही हैरत अंगेज है, लेकिन हाल ही में स्विट्जरलैंड में लार्ज हैड्रॉन कॉलिडोर में काम करने वाले साइंटिस्ट का ये खदशा है कि छोटा सा क्वांटम ब्लैक होल बन सकता है। इसीलिए CERN में काम करते वक्त इनको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होता है। लेकिन ब्लैक होल किसी भी किस्म का हो, छोटा हो या बड़ा, वो दोनों ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। साइंस ने हमें बहुत सी अमेजिंग इन्वेंशंस दी हैं, लेकिन साइंस की एक डार्क साइड भी है जो मुख्तलिफ हालात में खतरनाक हो सकते हैं। लेट्स होप कि ऐसा कभी ना हो।